अगर आप लखनऊ आए और आपने चौक की मक्खन मलाई नहीं चखी तो आपका अवधी खान पान का जो स्वाद है वो अधूरा ही रह गया। जी हाँ, बिना चौक की मक्खन मलाई के लखनऊ का सफ़र अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह यहाँ की एक बेहद खास मिठाई कहलाती है जिसे मक्खन मलाई कहते हैं। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यानी सिर्फ 4 महीने के लिए ही यह मिठाई मार्केट में आती है, जो कि सिर्फ लखनऊ में ही मिलती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे ओस के नीचे रखकर बनाया जाता है। रात में ओस के नीचे इसमें दूध और क्रीम मिलाकर रख दिया जाता है। सुबह दोनों को बहुत देर तक मिलाया जाता है, जिसके झाग से यह मिठाई तैयार होती है। इसके बाद इसमें केसर, इलायची और मेवे और इसमें साथ में मिश्री मिलाई जाती है। इसके बाद इसे तैयार किया जाता है। करीब 2 घंटे सुबह इसे तैयार करने में लगता है। तो अगर आप भी लखनऊ आए हुए हैं सर्दियों में या आपकी प्लानिंग है तो लखनऊ आए तो चौक में फूल वाली गली के पास मक्खन मलाई खाना ना भूलें। मैम, आपका नाम क्या है? यतिका रस्तोगी। मैम, लखनऊ की रहने वाले? मैम, आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको टेस्ट इसका? इसका टेस्ट और मिठाइयों से भी अलग है। मिठाई की जगह भी लोग इसी को प्रेफर ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो काफी अच्छा वेट होता है इसका टेस्ट। जी, तो आप सर्दियों पर इसको ट्राई करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो लखनऊ का फेमस है, तो आधा लखनऊ क्या पूरा लखनऊ इसको ट्राई करता है। मेरा नाम अंकित जायसवाल है। और सर, ये पता है मक्खन मलाई आप टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 4 महीने का इसका टेस्ट होता है, फिर ये अगले साल का इंतजार करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? ये 4 महीने का टेस्ट, लखनऊ का मेन फेमस मक्खन मलाई है, और ये लखनऊ में नहीं, ऑल ओवर यूपी, इवन इन द इंडिया ये फेमस है। 4 महीने सिर्फ 4 महीने होता है, तो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, और ये आपको केवल चौक में ही मिलना है। आपको अब तो सब जगह हालांकि मक्खन मलाई मिलता है, बट जो चौक की स्पेशलिटी है मक्खन मलाई की, वो टॉप है, अभी तक उसके कोई कंपैरिजन नहीं है। काले की समझ लीजिए, ये मेवा है, ये सर्दी की, ये सिर्फ ठंड में मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये नवाबों के शहर में चौक की शान मलाई मक्खन है। ये इसको बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं, इस मक्खन मलाई को सीजन में। अच्छा, इसको दूध और क्रीम से बनता है। इसको रात में दूध और क्रीम को एक ही में मिक्स करके ओस में रखा जाता है, फिर सुबह इसको मथा जाता है, उसी का झाग ही निकलता है, उससे ये तैयार होता है। फिर इसमें केसर, मेवा, इलायची, मिश्री सब मिल के ये तैयार होता है। इसको 2 घंटे बनाने में लगते हैं सुबह। अच्छा। जी, और रात में इसको आपने जो प्रोसेस बताई वो होती है, कितने का होता है ये? ये 60 रुपए की 100 ग्राम है, 600 रुपए केजी। अच्छा, और खूब बिकती है ये बहुत बिकती है मैम यहाँ पे, अनलिमिटेड। अभी तो फिलहाल एक ही दो दुकानें हैं, अभी 2-4, 10-15 दिन में कहाँ मंडी पूरी लगती है यहाँ पे चौक में। अच्छा, मक्खन की कितने, कब तक लगती है ये? लगता ये अक्टूबर से चालू होता है, फरवरी तक की लगती है लास्ट तक। अच्छा, और टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम को 7-8 बजे तक। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।